नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर जहां पर सरकार प्रतिबद्ध है, तो वहीं आपको बता दें कि शिक्षकों को लेकर भी उन्होंने कड़ी हिदायत दी है। ऐसे में आपको बता दें कि कुल 20 शिक्षकों की नियुक्ति जो है उसे रद्द कर दी गई है। जी हाँ, आप बिल्कुल आपने ठीक सुना है, 20 शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो रद्द कर दी गई है। किन कारणों से ये नियुक्ति रद्द की गई है, अब दरअसल वो समझ लीजिए। पटना उच्च न्यायालय ने गया के मिर्जा गालिब कॉलेज के 20 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दी है। ये नियुक्ति करीब 4 साल पहले 2020 में की गई थी। न्यायालय ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 57B के प्रावधानों के घोर उल्लंघन को गंभीरता से लिया है। 20 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि इस मामले में 65 पृष्ठों का लंबा आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार सरन द्वारा पारित किया गया है। मिर्जा गालिब कॉलेज के प्रोफेसर इंचार्ज अली हुसैन ने इस संबंध में कहा कि 2020 की बहाली को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोरोना काल के दौरान मिर्जा गालिब कॉलेज में 20 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई थी। इस बहाली पर पहले से कॉलेज में एड हार्प पर नियुक्त शिक्षिका रीना कुमारी और मुजफ्फर आलम ने आरोप लगाया है कि इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। शशि निकाय पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए रीना कुमारी और मुजफ्फर आलम ने 2020 की नियुक्ति के विरुद्ध हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अली हुसैन प्रोफेसर इंचार्ज मिर्जा गालिब कॉलेज, तो आपको बता दे कि 4 वर्षों बाद नियुक्ति जो है उसे रद्द कर दी गई है। 4 वर्षों बाद नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार जो है न्यायमूर्ति अंजनी कुमार सरन ने फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता तेज बहादुर सिंह ने प्रस्तुत किया है कि साक्षात्कार आयोजित करने के लिए चयन समिति बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 57A और 57B में निहित प्रावधानों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए तैयार की गई थी। साक्षात्कार बोर्ड में विश्वविद्यालय का होता है पैनल, तो आपको बता दें कि चयन समिति वैधानिक आदेश के अनुसार गठन नहीं किया गया क्योंकि इसमें विश्वविद्यालय का कोई प्रतिनिधि नहीं था। साक्षात्कार बोर्ड के लिए चयन समिति के संबंध में विश्वविद्यालय से कोई परामर्श भी नहीं किया गया था। रीना कुमारी मिर्जा गालिब कॉलेज के केमिस्ट्री विभाग की शिक्षिका थी, वो भी रेगुलर नियुक्ति की कैंडिडेट थी। बाद में उन्होंने पटना हाईकोर्ट में रीट दायर किया कि यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुसार साक्षात्कार बोर्ड नहीं था क्योंकि विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार कॉलेज विश्वविद्यालय से परामर्श करना था। विश्वविद्यालय के द्वारा पैनल के 5 नाम दिए जाते हैं जिसमें कॉलेज को अपने स्तर से उस पैनल से 3 लोगों को साक्षात्कार बोर्ड में लेने का अधिकार है। यहीं पर कॉलेज की राशि निकाय से चूक हुई। साक्षात्कार बोर्ड में कॉलेज के प्राचार्य व विभाग अध्यक्ष का होना भी अनिवार्य होता है। कॉलेज में UGC की गाइडलाइन यूनिवर्सिटी के अनुसार इंटरव्यू करना होता है। बाकी अधिकार अल्पसंख्यक कॉलेज को है कि वो किसका सिलेक्शन करेगा। नियुक्ति के विरुद्ध में बोलने पर ये केस जो है वो दर्ज हुआ था। तो आपको बता दें कि 2020 में जब इस नियुक्ति पर शहर के कुछ व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दी गई तो उस पर राशि निकाय की ओर से FIR भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब इस बहाली को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हालांकि इस संबंध में प्रोफेसर इंचार्ज अली हुसैन का कहना है कि साइबर सेल में जो केस दर्ज हुआ था वो अलग था, कुछ लोगों के द्वारा आपत्तिजनक सोशल मीडिया पर बातें लिखी गई थी। 2-3 वर्षों तक इस मामले की सुनवाई होती रही। राशि निकाय मिर्जा गालिब कॉलेज को कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था कि जितना जल्दी हो फिर से वैकेंसी लाकर सारी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए फिर से बहाली की जाए। राशि निकाय की कोशिश है कि फिर से विज्ञापन देकर वैकेंसी निकाली जाए, सभी नियमों का पालन करते हुए नियुक्ति होगी। अली हुसैन प्रोफेसर इंचार्ज मिर्जा गालिब का ये कहना है 54 से 18 बचे। जी हाँ, आपको बता दें कि मिर्जा गालिब कॉलेज में सरकार द्वारा कॉलेज के विभिन्न विभागों के शिक्षकों का कुल 54 पद स्वीकृत है जबकि 76 गैर शैक्षणिक पद सृजित हैं, लेकिन अब केवल 54 शिक्षक में 18 शिक्षक ही बचे हैं। तो बता दें आपको कि मिर्जा गालिब कॉलेज में इस तरह की बातें जो है वो निकल कर सामने आई है। 20
लोगों की नियुक्तियों को जो है वो रद्द कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि फिलहाल तमाम ऐसी ही बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहें बीसी 24 पर।